क्या गिवन है फर्स्ट प्रॉब्लम में? कैलकुलेट वर्क डन इन एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ वन मोल आइडियल गैस मोनो एटॉमिक फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 atm टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 2 atm। क्या दिक्कत आ रही है पहले तो इस प्रॉब्लम में, थोड़ा मुझे ये एक्सप्लेन करो। प्रोसेस कौन सा है, क्लियर है तुम्हें? हाँ सर। एडियाबैटिक इनिशियल प्रेशर दिया है 1 atm, फाइनल प्रेशर दिया है 2 atm। इनिशियल टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। एक फर्स्ट पार्ट है प्रोसेस इज कैरीड आउट रिवर्सिबली, सेकेंड पार्ट है प्रोसेस इज कैरीड आउट इररिवर्सिबली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm। फाइनल वॉल्यूम भी निकालना है और ग्राफ दिखाना है। ग्राफ तो चलो बाद में बना लेंगे, पहले वर्क और वॉल्यूम। इसमें क्या दिक्कत आ रही है बताओ? सर वो इक्वेशन लगाया बट उससे फिर फाइनल टेम्परेचर निकल नहीं रहा। क्या इक्वेशन लगाई बताओ, इक्वेशन में कोई गलती तो नहीं कर दी? पी रेस टू 1 माइनस गामा पी एफ रेस टू गामा इज इक्वल टू पी आई रेस टू 1 माइनस गामा इनटू टी आई रेस टू गामा। ये लगाई? यस सर। वैल्यूज बोलो क्या क्या रखती। फाइनल प्रेशर 2 atm करेक्ट? यस सर। रेस टू 1 माइनस गामा, फाइनल टेम्परेचर तुम्हें मालूम नहीं, इनिशियल प्रेशर 1, रेस टू 1 माइनस गामा। सर मोनो एटॉमिक के लिए गामा 5/3 होता है ना? गामा रखेंगे अभी। यस यहां ये इतनी पार्ट क्लियर है इक्वेशन का, तो फाइनल टेम्परेचर क्या आ गया इससे 300 × 1/2 raised to 1 - γ/γ। ठीक है, मोनो एटॉमिक का गामा 5/3, तो 1 - γ हो गया -2/3/5/3, तो 300/2 raised। 300 का गामा कहाँ पे चला गया? वो यहाँ आया ना, पूरी इक्वेशन का गामा थ्रूट ले लिया तो ये आ गया ये इक्वेशन, ये वैल्यू सॉरी, मतलब 300 × 2 raised to 2/5। ठीक है बोलो, कोई दिक्कत तो अब बोलो यहां से। ठीक है सर। सर हम लोग को लेट हो गया ज्वाइन करने को क्योंकि हम लोग को लिंक ही नहीं आई थी। हाँ तो अभी पहला ही प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो लास्ट क्लास का होमवर्क था वो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा लास्ट क्लास का होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है। बोलो और कुछ कोई पूछ रहा था?
पर इसके बाद वर्क डन कैसे निकालेंगे? हाँ, वर्क पहले टेम्परेचर तो फाइनल निकाल लें, तो टेम्परेचर फाइनल हो गया 400 केल्विन, ठीक है। अब एडियाबैटिक में क्यू जीरो होता है, वर्क और डेल्टा यू दोनों क्या होंगे, एन सी वी टी एफ माइनस टी आई मोल्स कितने हैं, 1 मोल, मोनोअटोमिक गैस सी वी 3/2 आर टी एफ माइनस टी आई 150 आर आंसर आ गया आपका। पार्ट ए में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछो, किसी भी स्टेप में तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा ये स्टेप ऐसे क्यों किया, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। सर, 2 raised to 2/5 कैसे कंप्यूट किया आपने? 2 raised to 2/5 लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बताए थे कैलकुलेशन ना, ये सब बेटा बहुत जल्दी जल्दी ओरली करने, 2 raised to 2/5 निकालना है, ठीक है। इसको मैं एक्स मान लू तो दोनों और लॉग लू क्या होगा, लॉग एक्स इज लॉग ऑफ 2 raised to 2/5, सही है, बोलो ये क्लियर है? यस सर। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 2/5 log 2, सही है? यस सर। लॉग टू की वैल्यू मैंने लास्ट क्लास में बताई थी 0.3 और 2/5 हो गया 0.4, तो 0.4 × 0.3 कितना हो गया, ये 0.12, ठीक है। Yes. इसको मैं ऐसे लिख लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें, 0.6 − 0.48, बोलो। Yes, कोई दिक्कत नहीं? हाँ सर। 0.6 को log 4 लिख लूं और 0.48 को log 3 तो log x इज इक्वल टू log ऑफ 4/3, तो x इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। yes, sir. पार्ट ए सबको क्लियर है? आर की वैल्यू क्या रखोगे? आर की वैल्यू क्या रखी जाएगी? सर एटीएम में दिया है तो 0.082। अब तुम्हें आंसर जिस यूनिट में निकालना है उसमें रखो, ऑप्शंस होंगे ना, अगर ऑप्शन इंटीजर इसमें नहीं है, एग्जाम में तो एक्चुअल 4 ऑप्शन या इंटीजर टाइप में यूनिट बोलेंगे, अगर तुम्हें जूल में ये आंसर निकालना है तो आर क्या रखोगे? 8.31। अगर कैलोरीज में आंसर निकालना है तो आर क्या रखोगे? 2। अगर लीटर एटीएम में निकालना है तो आंसर क्या रखोगे? आर क्या? 0.021। ठीक है, तो अब तुम्हें जिस यूनिट में वर्क चाहिए उस यूनिट में आर की वैल्यू रख दोगे, ठीक है, समझ में आ गया ये? यस सर। पार्ट बी करते हैं, पार्ट बी में इसी प्रोसेस को सर, बस एक थोड़ा बाकी था सर, प्लीज। Yes, sir, done. Thank you. पार्ट बी में इसी को हमें इरिवर्सिबली करना है और एक्सटर्नल प्रेशर दिया है 280, ठीक है। प्रोसेस इक्वेशन कौन बता रहा है मुझे इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की, याद है अभी तक की नहीं याद है?
याद है डेल्टा इक्वल टू वर्क डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बेटा पूरा डिटेल में कैसे लिखाया था एन सी वी टी एफ माइनस टी आई इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी एफ बाय पी एफ माइनस एन आर टी आई बाय पी आई ठीक है वैल्यूज रख दे मोनो एटॉमिक गैस है सीवी थ्री बाय टू आर एन और आर दोनों ओर से कैंसिल हो गया तो 1.5 टीएफ माइनस 1.5 टीआई एक्सटर्नल प्रेशर दिया है 2 एटीएम तो माइनस 2 टीएफ बाय फाइनल प्रेशर 2 प्लस 2 इंटू इनिशियल टेम्परेचर बाय इनिशियल प्रेशर 1 ठीक है तो 2.5 टीएफ इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 3.5 टीआई ठीक है क्लियर तो टीएफ हो गया 7/5 टीआई 420 केल्विन तो वर्क और डेल्टा यू दोनों हो गए एन सी वी टी एफ माइनस टी आई 180 आर फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर है दोनों पार्ट्स यस सर अब जो तुम लोगों ने किया था जिनको भी डाउट है अब देखो तुम लोगों ने गलती कहां की थी गलती समझ में आ रही है यस सर यस सर चले आगे सर दो मिनट कॉपी करना हो गया थर्ड प्रॉब्लम थर्ड भी डिस्कस करना है कि थर्ड आ गया है बोलो जल्दी थर्ड करना है डिस्कस वाले का सी कैसे करते हैं चलो देखें थर्ड क्या है 2 मोल्स गैस है गामा दिया है इनिशियल टेम्परेचर दिया है वॉल्यूम दिया है ठीक है गैस को पहले एक्सपेंड किया कांस्टेंट प्रेशर पे टिल वॉल्यूम इज डबल देन इट इज एडियाबैटिक टिल टेम्परेचर रिटर्न्स टू इनिशियल वैल्यू स्केच द ग्राफ पीवी प्रोसेस पीवी डायग्राम पे ग्राफ बनाना है तो पहले यहां से शुरू किया ठीक है और कैसा प्रोसेस किया पहले कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम डबल किया आइसोबारिक कैसा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन ठीक है यहां पे वॉल्यूम है 20 लीटर्स यहां पे वॉल्यूम है 40 लीटर्स ठीक है
फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया है जिससे टेम्परेचर वापस इनिशियल वैल्यू पे आ गया है। टेम्परेचर तो इस ग्राफ पे दिखेगा नहीं, और पीवी ग्राफ पे एडियाबैटिक प्रोसेस का कैसा कर्व बनता है? हाइपरबोला मत बोलो यार, एक्सपोनेंशियल कर्व, ओके ऐसा, या हाइपरबोलिक बोलो, हाइपरबोला मत बोलो। तो यहां तक आ गए, यहां का वॉल्यूम मालूम नहीं है, निकालना पड़ेगा। टेम्परेचर चाहे तो लिख सकते हैं, ऑल्दो इस ग्राफ में नहीं दिख रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे टेम्परेचर हमें 300 केल्विन दिया है, करेक्ट? हाँ सर। फर्स्ट प्रोसेस में वॉल्यूम डबल किया, प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर 600 केल्विन है, और यहाँ पे वापस ओरिजिनल टेम्परेचर पे ले आए तो यहाँ पे भी टेम्परेचर 300 केल्विन है, ठीक है? फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम निकालना है। तो सेकेंड प्रोसेस के लिए प्रोसेस इक्वेशन लगाते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक की। तो क्या होगी रिवर्सिबल एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन? टीवी रेस टू गामा माइनस वन इज कांस्टेंट, 600 इंटू 40 रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू 300 इंटू वी रेस टू गामा माइनस वन। तो फाइनल वॉल्यूम आ गया 40 इंटू 2 रेस टू 1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है? सही है यहां तक? किसी को दिक्कत? गामा है 5/3, तो गामा माइनस 1 हो गया 2/3, 1 अपॉन 2/3 कितना हो गया 3/2, तो 40 इंटू 2 रेस टू 3/2, सही है 80√2। करेक्ट? हाँ सर। तो ये फाइनल वॉल्यूम आ गया 80√2 लीटर। फाइनल प्रेशर तो आई थिंक अब निकाल ही लोगे आइडियल गैस इक्वेशन लगा के, कर लोगे वो? और क्या करना है? क्या डाउट था इसमें, किस पार्ट में? सी वाला पार्ट कैसा करने का? इसमें सी वाले पार्ट में क्या करना है, वर्क निकालना है ना? क्या पूछा है सी वाले पार्ट में? वर्क डन। पहले पार्ट का वर्क कितना होगा? पहले स्टेप में पहला स्टेप है आइसोबारिक वर्क का फॉर्मूला माइनस एन आर टी एफ माइनस टी आई। मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स है, तो माइनस 600 आर पहले स्टेप का वर्क हो गया। एडियाबैटिक का वर्क एन सी वी टी एफ माइनस टी आई, तो एन सी वी हो गया 3R इंटू माइनस 300 माइनस 900 आर, तो टोटल वर्क दोनों को ऐड करके माइनस 1500 आर, ठीक है? सर एक बार वापस बता सकते कि सर आर का वैल्यू मतलब कैसे डिटरमाइन करना चाहिए, कि कब क्या लेना है? अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होगा तो 4 ऑप्शंस वो तुम्हें देंगे ए बी सी डी। सर वर्क की वैल्यू लिखेंगे, उसके आगे वर्क का यूनिट लिखेंगे,
सर तो जो यूनिट में वो आंसर पूछ रहे हैं उस अकॉर्डिंग आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी। अगर वो आंसर जूल में पूछ रहे हैं देन यू विल सब्स्टिट्यूट आर एज 8.314। अगर वो वैल्यू कैलोरी में पूछ रहे हैं देन यू विल सब्स्टिट्यूट आर एज 2। अगर वो वैल्यू लीटर एटीएम में पूछ रहे हैं देन यू विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 0.0821। ओके यस सर थैंक यू सर। तो सर मतलब कोई भी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क पूछते तो ऐसे हर एक प्रोसेस का ढूंढना पड़ता है सर। देखो इसमें दो चीज दो पॉइंट। पहले तो ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस नहीं है बेटा। साइक्लिक प्रोसेस कब होता? जब इनिशियल स्टेट पे आता वापस, जब वो वापस वहां पहुंच जाता। यहां से फिर मैं ऐसा कुछ प्रोसेस करता फिर ऐसा करता, अब ये बना साइक्लिक प्रोसेस। ओके ठीक है, अभी ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है पहली चीज। और कभी भी जब बहुत सारे प्रोसेसेस एक के बाद एक कर रहे हैं तब टोटल वर्क ढूंढने के लिए हर स्टेप का वर्क निकालेंगे और फिर सब टोटल ऐड करेंगे। ठीक है ओके चलें आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। साइक्लिक होता तो क्या करते हैं? साइक्लिक होता तो भी यही करते, जितने स्टेप्स होते उस साइकिल में हर एक का वर्क निकालते और फिर टोटल ऐड करते। ठीक है अभी करते हैं साइकिल। अभी तो आज एक दो क्लासेस और बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे फिर थोड़े टफ प्रॉब्लम्स पे चलेंगे। अभी तो जस्ट हम लोग अपना बेस बना रहे हैं, फॉर्मूले लगाना सीख जाए। फोर्थ प्रॉब्लम, फोर्थ सर गैसियस स्टेट के डाउट्स कब लोगे? गैसियस स्टेट क्या बचा हुआ है? मॉड्यूल करने को बोला था ना आपने, वो तो डाउट डाउट लेक्चर जब होगा तब लेते हैं। ठीक है अगर नेक्स्ट वीक डाउट लेक्चर नहीं हुआ तो फिर किसी क्लास में ही ले लेंगे। ठीक है चलो फोर्थ में आओ। फोर्थ प्रॉब्लम में सारे पार्ट्स करने हैं कि किस कोई पर्टिकुलर पार्ट? थर्ड वाला सो उसका मतलब क्या होता है आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक का? ये देखते हैं। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, करेक्ट? यस सर। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू तो जीरो होगा। Agreed? ये क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. और एडियाबैटिक दिया है तो क्यू भी जीरो है। तो फर्स्ट लॉ से आई कैन से वर्क भी जीरो होगा। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. अब वर्क जीरो है और वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है क्योंकि भाई प्रेशर चेंज हो रहा है। प्रॉब्लम में दिया है प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है प्रेशर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, करेक्ट? क्लियर है ये बात इतनी? हाँ सर। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क जीरो कैसे हो सकता है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क जीरो तभी हो सकता है जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो। यस और नो? यस सर। भाई डीडब्ल्यू का क्या फॉर्मूला आया था सबसे पहला? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अब डीवी जीरो नहीं है और डीडब्ल्यू जीरो है मतलब पी एक्सटर्नल को ही जीरो होना पड़ेगा, करेक्ट? ओके एक्सटर्नल प्रेशर जीरो का क्या मतलब होता है? किसी गैस को तुम
वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपैंड कर रहे हो, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, ये होता है, इसी को बोलते हैं आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। ठीक है, यस सर, मन में आ गया? और कुछ करना है इसमें? फोर्थ का फोर्थ, अगेंस्ट 0.2 मेगा पास्कल एंड एडियाबैटिक, इसका क्या मतलब हुआ? एक्सटर्नल प्रेशर 0.2 मेगा एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर 0.2 मेगा पास्कल पे कांस्टेंट है, और जब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है प्रोसेस कैसा होता है? इरिवर्सिबल। फोर्थ पार्ट है इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का, ये बात समझ में आई? यस सर। जिसको डाउट था, किसको डाउट था इसमें? हाँ सर। रचित, ये तुम्हें समझ में आया था कि ये इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है? अब समझे ना, तो चलो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन लगा लेते हैं। ठीक है, गैस कौन सी है? मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, तो NR कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया 5/2 TF माइनस 5/2 TI, एक्सटर्नल प्रेशर 0.2 मेगा पास्कल है और फाइनल भी 0.2 मेगा पास्कल है, तो ये तो हो गया माइनस TF प्लस, और इनिशियल है 0.7 मेगा पास्कल, 2/7 TI, तो यहां से इक्वेशन आ गई 7/2 TF इज इक्वल टू 39/14 ना TI, सही है ना कैलकुलेशन? तो TF कितना आ गया? 39/49 TI। ओके, क्लियर? हाँ सर। तो अब तुम्हें क्या क्या निकालना है? क्यू तो जीरो ही है, वर्क और डेल्टा यू दोनों हो गए, एन सी वी, एन कितने हैं? अच्छा, एन दिया नहीं है, वेरी गुड, तो इसको ऐसे कर लो, एन सी वी रखो 5/2 R, टी एफ कितना है? 39/49 TI माइनस TI, तो ये हो गया माइनस 10/49, माइनस 10/49 इंटू 5/2, और NRTI को हम लोग लिख लेते हैं PIVI, करेक्ट? यस सर। PI दिया है 0.7 मेगा पास्कल,
0.7 into 10 raised to 6 pascal और VI दिया है 20 लीटर तो मीटर क्यूब में अब रखो और ये जूल्स में आंसर आ गया। कर लोगे अब ये कैलकुलेशन? हाँ सर। और फोर्थ प्रॉब्लम में कोई पार्ट करना है? बोलो। कोई है डाउट? और फोर्थ वाले का लास्ट वाला भी बहुत बढ़िया है प्लीज। प्रोसेस कौन सा है बताओ? इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है, ये समझ में आ गया। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है। तो वर्क क्या होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल में? एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई। एक्सटर्नल प्रेशर है 0.2 मेगा पास्कल। पास्कल में रख लेते हैं। फाइनल वॉल्यूम होगा एन आर टी बाय फाइनल प्रेशर, वो भी 0.2 मेगा पास्कल माइनस इनिशियल वॉल्यूम एनआरटी बाय इनिशियल प्रेशर। 10 रेस टू 6 पूरी इक्वेशन से कैंसिल हो गया। एनआरटी को बाहर कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 बाय 7। और NRT को PI VI लिख सकते हैं, सही है? इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम और इनटू 5/7। कर लोगे ये कैलकुलेट? ये वर्क आ गया। डेल्टा यू तो जीरो होगा, क्यू विल बी नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू। ठीक, चले आगे। सर एक मिनट। फिफ्थ करना है? सर आप एक मिनट लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? फिफ्थ प्रॉब्लम, 1 mole of ideal monoatomic air is subjected to following sequence. पहला स्टेप क्या है? एक एक स्टेप के बारे में करते चलते हैं। पहला स्टेप, reversibly constant pressure पे हीट किया from 298 to 373। तो पहला तो है reversible isobaric, ठीक है? वर्क क्या हो जाएगा? माइनस एन आर टी एफ माइनस टी आई। वर्क आ गया -75 R। डेल्टा यू पहले स्टेप का क्या हो जाएगा? माइनस एन, गैस कौन सी है? मोनोएटॉमिक, सी वी 3/2 R।
टीएफ माइनस नहीं सॉरी एन सी वी टीएफ माइनस वन इंटू थ्री बाय टू आर इंटू टीएफ माइनस टीआई ठीक है क्लियर कितना हो जाएगा ये 112.5 आर और Q फर्स्ट लॉ से डेल्टा U माइनस W तो 187.5 आर ठीक है ये स्टेप वन हो गया स्टेप टू में फिर क्या किया नेक्स्ट द गैस इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली आइसोथर्मली टू डबल इट्स वॉल्यूम स्टेप टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू तो जीरो होगा करेक्ट और वर्क क्या होगा माइनस एन आर टेम्परेचर है 373 वॉल्यूम डबल हो रहा है तो एल एन वी एफ बाई वी आई तो वर्क आ गया सेकेंड स्टेप का माइनस 373 आर एल एन टू और क्यू आ जाएगा सेकेंड स्टेप का नेगेटिव ऑफ वर्क प्लस 373 आर एल एन टू ठीक है स्टेप थ्री नेक्स्ट गैस इज कूल्ड रिवर्सिबली एडियाबैटिकली टू 308 केल्विन एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यू तो जीरो होगा करेक्ट वर्क एंड डेल्टा यू बोथ विल बी इक्वल टू एन सीवी टीएफ माइनस टीआई ठीक है तो 195 बाय टू कितना हो जाएगा 195 माइनस सही है ना yes, अब टोटल क्यू और टोटल डब्ल्यू टोटल डेल्टा यू निकाल लोगे सब ऐड करके ठीक है समझ में आया हो गया नोट सर आई एम समृद्धि मिश्रा मैंने आपको मैसेज किया था मुझे आपने व्हाट्सएप क्लास के एंड में सब बात है लास्ट 10 मिनट्स वी विल डिस्कस थैंक यू हो गया ये नोट चलो अगले सेक्शन पर जरा आते हैं तो मान लो
तो मैं पीवी ग्राफ पे ऐसा एक प्रोसेस दिया है. व्हाट यू कैन से अबाउट दिस प्रोसेस? कैसा प्रोसेस है ये? क्या कह सकते हैं इसको? Which type of process is it? Adiabatic. Why not isothermal? Isothermal. I told you in last class that by seeing a curve you cannot tell anything about the process. Okay? ठीक है, ओके, यस सर, यस सर. इस प्रोसेस के बारे में बस आप इतना कह सकते हैं दैट दिस इज अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा है. ठीक है, क्लियर? यस सर. और सिमिलरली अगर ऐसा प्रोसेस दिया है देन व्हाट यू कैन से? दिस इज अ रिवर्सिबल कंप्रेशन. ठीक है, ओके, यस सर. रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला क्या था यार? इंटीग्रेशन पीडीवी. इंटीग्रेशन वर्क वॉज रिवर्सिबल के लिए माइनस इंटीग्रल पीडीवी, करेक्ट? एन इंटीग्रल इज एरिया अंडर ग्राफ, करेक्ट? इंटीग्रल पीडीवी विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर पीवी ग्राफ. ओके, ठीक है. yes, sir. तो पहले केस में ये जो एरिया है इस ग्राफ के नीचे एक्स एक्सिस के साथ जो ये एरिया बाउंड होगा, इतना एरिया, अगर हम ये एरिया निकाल पाए, ग्राफ दिया और हम ये एरिया निकाल लें, तो हमारी वर्क कैलकुलेट करने वाली कैलकुलेशन पूरी बच जाएगी, इंटीग्रेशन बच जाएगा. ठीक है, तो इस केस में वर्क क्या होगा? ये जो भी इस एरिया का मैग्नीट्यूड आए, ठीक है, उसको एक नेगेटिव साइन के साथ लिख दीजिए, क्योंकि एक्सपेंशन प्रोसेसेस में वर्क हमेशा नेगेटिव होगा, करेक्ट? यस सर. और सिमिलरली इसमें भी वर्क का मैग्नीट्यूड तो ये एरिया होगा, बट ये प्रोसेस कैसा है? कंप्रेशन. कंप्रेशन, तो यहां इस एरिया को हम पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे. ठीक है, ये क्लियर है? यस. नोट कर लो. नोट करो इसको जरा एक मिनट.
कर लिया नोट ये? हाँ बोलो सर, इरिवर्सिबल का ग्राफ नहीं बन सकता ना, मतलब इरिवर्सिबल का ग्राफ नहीं बनता है, लास्ट क्लास कल ही। सर वो ये नोट कर लिया? यस। अब सपोज इसी में ये भी ले, मान लो ऐसा एक प्रोसेस दिया है, ये कैसा प्रोसेस होगा? आइसोबारिक। ये दूसरा वाला जनरल प्रोसेस, तीसरा वाला साइक्लिक, तीसरा प्रोसेस वो भी जनरल, वो भी जनरल, तीनों मिला के साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है? करेक्ट? यस सर। यस सर। पहले प्रोसेस, ये जनरल हमें कैसे मालूम पड़ा, मतलब हमने वो कैसे बोला? भाई चार स्टैंडर्ड प्रोसेसेस के ग्राफ बनाए थे, यस सर। कैसे बने थे? आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इस तरह की स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनी थी ना चारों के लिए? नहीं नहीं, यस सर, समझ गया समझ गया। अब बताओ पहले प्रोसेस में वर्क कौन सा एरिया होगा? पहले प्रोसेस का वर्क इस रेक्टेंगल का एरिया है? यस सर। ये वाले रेक्टेंगल का, करेक्ट? यस। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि एक्सपेंशन है, ठीक है? दूसरे प्रोसेस में वर्क कितना है? इस ट्रेपीजियम का एरिया, इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया कितना? करेक्ट? नेगेटिव है, क्या कह रहे हो? सेकेंड प्रोसेस में वर्क कितना होगा? जो पिंक वाला ट्रेपीजियम है उतना एरिया? यस सर। और थर्ड प्रोसेस में वर्क कितना होगा? थर्ड प्रोसेस में कितने ट्रेपीजियम का एरिया होगा वर्क? करेक्ट? सही है? यस सर। हाँ बोलो सर। फर्स्ट प्रोसेस में आपने बोला कि एक्सपेंशन है, तो आपने मतलब अज्यूम किया क्या बाय ग्राफ बोला? फर्स्ट प्रोसेस एक्सपेंशन है, वो तो दिख रहा है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। और एक्सपेंशन में वर्क हमेशा नेगेटिव होता है। यस सर। हाँ तो अब तुम क्या बोल लो, क्या अज्यूम किया? अज्यूम कुछ नहीं किया हम। नहीं सर, समझा। अब इन तीनों वर्क को ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड प्रोसेस का वर्क नेगेटिव है और थर्ड प्रोसेस का वर्क पॉजिटिव है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो जहां पे लाइंस कट कर रहे हैं एक दूसरे को, उतना एरिया तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? उस ट्राइंगल का एरिया बचेगा बस। करेक्ट? तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, ये हम लोग को बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल गया, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क क्या होता है पूरी साइकिल का? एरिया एनक्लोज्ड बाय साइकिल,
ठीक है ओके और ये टोटल वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा? अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसमें टोटल वर्क जो लिखोगे वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। तो टोटल वर्क नेगेटिव तब होगा जब साइकिल क्लॉकवाइज है और टोटल वर्क पॉजिटिव तब होगा जब साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ओके यस सर। नोट कर लिया हाँ बोलो फिर हम लोग को ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जब हम लोग ग्राफ बना कर पता चलेगा मतलब न्यूमेरिकली देख कर पता लगा पता चल जाएगा। ग्राफ तो तुम्हें देंगे तभी तो तुम उस ग्राफ से वर्क निकालोगे। ग्राफ तो ऑब्वियसली तुम्हें गिवन है ना। तो अगर ग्राफ में क्लॉकवाइज साइकिल बन रही है तो वर्क नेगेटिव होगा टोटल। ग्राफ में एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बन रही तो टोटल वर्क पॉजिटिव होगा। ठीक है अब बात अगर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की करें तो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस का ग्राफ बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो मान लो एक ये ऐसा तुम्हें प्रोसेस बना के दे दिया ये पी ये बी ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट। ठीक है दिस इज अ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन सही है? हाँ सर। और इसी तरह दिस इज अ इरिवर्सिबल कंप्रेशन ओके सही है सर। इसमें ज्वाइन नहीं करना ना बस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं कभी भी सर इरिवर्सिबल इसलिए ना। हाँ इरिवर्सिबल के ग्राफ्स नहीं बनते हैं। ठीक है चले आगे सर दो अब इसमें वर्क कैसे दिखाएं? इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में वर्क का क्या फॉर्मूला था? माइनस पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई। ठीक है वी एफ माइनस वी आई इस ग्राफ में कहीं दिख रहा है? yes, sir. इतना डिस्टेंस है वी एफ माइनस वी आई करेक्ट। पी एक्सटर्नल कहां है? तो ये आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर को फाइनल प्रेशर से कम ही होना पड़ेगा एट मैक्स वो इसके बराबर हो सकता है। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर यहां कहीं है तो
अब वर्क क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी एफ माइनस वी आई, मतलब अब वर्क इस रेक्टेंगल का एरिया होगा, ठीक है सर? आप एक और बार बता सकते हो इरिवर्सिबल का वर्क क्या है, फॉर्मूला याद करो, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है ओके। अब वी एफ माइनस वी आई तो इतनी लेंथ है, ये वाली लेंथ वी एफ माइनस वी आई है, करेक्ट? हाँ। इसमें मैं पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई कर दूं तो मिल जाएगा वर्क, ओके। एंड नाउ आई एम सेइंग अ इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन पी एक्सटर्नल हैज टू बी लेस देन पी एफ। ये कंडीशन क्लियर है कि नहीं है सबको? ऐसा क्यों? क्यों सर? इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता था? सिंगल स्टेप प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस। तुम्हें एक गैस को एक्सपैंड करना है एक स्टेप में, ठीक है? एक्सपैंड करना है मतलब वॉल्यूम बढ़ाना है ना। मान लो हमें एक गैस को 1080 एम पे है प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ाना है मतलब प्रेशर कम करना है, तो 1080 एम से 180 एम तक एक्सपैंड करना है और एक सिंगल स्टेप में करना है, ठीक है? बाहर का प्रेशर कितना रखना पड़ेगा? बाहर का प्रेशर मैं 480 एम रखूं तो ये काम होगा क्या? नहीं। बाहर का प्रेशर 1 से कम ही रखना पड़ेगा ना, तभी तो एक ही स्टेप में ये यहां से यहां तक उछल जाएगा, समझ रहे हो? यस सर। बाहर का प्रेशर ज्यादा से ज्यादा हम कितना रख सकते हैं? 1.8। वही लिखता है मैंने, एक्सटर्नल प्रेशर हैज टू बी लेस देन फाइनल प्रेशर, एट मैक्स कितना हो सकता है वो? इक्वल टू फाइनल प्रेशर। इक्वल टू फाइनल प्रेशर। तो इस केस में वर्क क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ अ नेगेटिव साइन, सही है? और इस केस में अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई वर्क का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब मिलेगा, तब क्या करोगे? इक्वल टू पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी एफ। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इज मैक्सिमम व्हेन पी एक्सटर्नल is equal to PF, ठीक है? समझ में आया ये बात? Yes। अब इसी तरह इरिवर्सिबल कंप्रेशन की कंडीशन क्या होगी एक्सटर्नल प्रेशर के लिए? ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर हैज टू बी ग्रेटर देन फाइनल प्रेशर, मिनिमम इट कैन बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर, ठीक है? यस वन मिनट। हाँ, तो इसमें कहाँ आएगा पी एक्सटर्नल? पी एफ के ऊपर।
पीएफ के ऊपर। तो अब एरिया कितना होगा? इस रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है? ओके? और ये एरिया होगा, वर्क होगा एरिया विद अ पॉजिटिव साइन, ओके? और यहाँ पे लोग क्या बातें पूछ सकते हैं प्रॉब्लम को ट्रिकी बनाने के लिए? मिनिमम वर्क। मिनिमम वर्क, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क मिनिमम कब होगा? पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी फाइनल। व्हेन पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी फाइनल, ठीक है? नोट कर लिया? एक मिनट से। Done, sir. चलो एक दो एरिया वाले प्रॉब्लम्स भी करते हैं। बुकलेट निकालो। बुकलेट ओपन की सबने? एफ बी एस फिफ्थ प्रॉब्लम। एक बार जब जस्ट चेक करने के लिए देखना, ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग कर चुके हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें से कोई बची तो नहीं है? थर्ड बाकी है। थर्ड बची है? भाई सर किया है। सिक्स सेवन एट नाइन फोर्टीन फिफ्टीन एटीन, कितने हो गए ना? ठीक है, जस्ट टू रिकन्फर्म, फर्स्ट लॉ वाले सारे हो गए। तो एफबीएस का 517 करो अभी। आज थोड़ा एफबीओ भी स्टार्ट करते हैं। एफबीओ कुछ किया है अभी तक? दो सम्स किए थे एफ बी ओ। छोड़ो एफ बी ओ, होमवर्क में और नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ये दो अच्छे प्रॉब्लम्स ये वाले। सर बोलो। तभी वर्क डन कैलकुलेट करने तो मतलब हर साइक्लिक में मतलब एक एक स्टेप पे कैलकुलेट करके ऐड करना ना? यस, एक एक साइक्लिक में एक एक स्टेप पे कैलकुलेट करके ऐड करना है, ठीक है?
एडवांस लेवल इलेवन हाँ ये तीन प्रॉब्लम्स करो ठीक है ये नोट कर लिए प्रॉब्लम नंबर्स सर एडवांस लेवल का 17 है ना 17 नहीं 11 ओके 11 ये तीनों करो और अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स लिख रहा हूं स्क्रीन पे तुम लोग ये अटेम्प्ट करते रहो आई विल राइट देम और फिर उनको करना है ठीक है अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं बुकलेट से ऊपर चलते हैं I'm muting everybody, just write down these problems.
बुकलेट वाले कंप्लीट हो गए? यस। कोई डिस्कस करना है उसमें? हाँ सर, फिफ्थ 17। फिफ्थ और 17 दोनों ही करने हैं। चलो, ये प्रॉब्लम्स जो मैंने लिखे हैं तीन, ये नोट कर लिए हैं। सर एक मिनट, फर्स्ट वाला दिखाओ। दस वन मिनट। अच्छा, बिफोर आई डिस्कस, ये है फर्स्ट वाला, यही ना? हाँ, कितने लोगों ने अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है? यार क्लास की स्ट्रेंथ तो इतनी 100 के आसपास ही रहती है और बच्चे उसमें 120 हो गए हैं। अथर्व, अथर्व तुमने मुझे मैसेज किया है? हाँ सर, मैंने आपको नंबर भी भेजा था, आपने बोला था आफ्टर क्लास। ठीक है, अभी एक बार रिमाइंडर मैसेज आज क्लास के बाद डाल देना, ऐड कर देंगे तुम्हें। ओके सर। और कोई बचा है? अतर वैंड लोअर करो। एनीबॉडी एल्स हु इज लेफ्ट? और कोई नहीं है, ठीक है, ये हो गया नोट। सर थोड़ा दो मिनट, दोनों सर पिछला पेज दो मिनट प्लीज सर। हो गया सर। LN4 का वैल्यू क्या था? LN4 is to LN2 और LN2 की वैल्यू तुम्हें मालूम है? ठीक है, कर लिया नोट। अब कौन सा करना है? फिफ्थ प्रॉब्लम ना, FBS का फिफ्थ। फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या दिया? कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन व्हेन इररिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। मैक्सिमम वर्क की बात की है इररिवर्सिबल एक्सपेंशन में, क्या होगा यार? P external is PF, correct? Yes. Hmm. 300 Kelvin of final pressure at 1 atm, initial pressure at 10 atm, initial temperature at 300 Kelvin. लगाओ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन क्या थी, कितने मोल्स हैं? अच्छा, अभी गैस कैसी है? गामा 4/3 है, तो मतलब सीवी है 3R, तो एन सीवी टीएफ माइनस टीआई इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू एन आर टी एफ बाय पी एफ माइनस एन आर टी आर। थ्री आर कहाँ से आया, रिपीट कर सकते हैं? गामा 1.33 दिया है। हाँ। और सी वी वॉज आर अपॉन गामा माइनस वन। अच्छा, ओके, आई गॉट इट। बोलो
सर उधर पॉलीटॉमिक लिखा था टेबल से डायरेक्टली बोल सकते थ्री आ रहा है। जब गामा दिया है तुम्हें प्रॉब्लम में तो उससे चलो, अब पॉलीएटॉमिक लिख के गामा को अगर 1.7 लिख देगा तो तुम्हें यहां से लेना है, समझ रहे हो। जब प्रॉब्लम को इंफॉर्मेशन दे रहा है तो फैक्ट जो तुम्हें याद है वो डाटा यूज नहीं करते हैं, प्रॉब्लम का डाटा यूज करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम गामा ना देता तब तुम पॉलीएटॉमिक की जो तुम्हें वैल्यू याद थी वो यूज करते, ठीक है। एनआर कैंसिल हो गया, 3TF माइनस 900 इज माइनस TF प्लस 30, तो TF आ गया 930/4, तो वर्क और डेल्टा यू दोनों हो गए। मोल्स कितने दिए हैं, 1 मोल। इंटू 3R इंटू 930/4 माइनस 300 कर लोगे अभी है? ओके ठीक है। सर एक मिनट लास्ट लाइन। डन सर, थैंक यू। सेवेंटीन प्रॉब्लम में ग्राफ दिया है तुम्हें पीवी एक्सिस पे, ठीक है। टोटल वर्क निकाल सकते हो क्या होगा इस साइकिल का बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, करेक्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है वी नॉट और हाइट कितनी है 2P0। क्लॉकवाइज साइकिल है तो माइनस साइन, तो टोटल वर्क आ गया माइनस पी नॉट वी नॉट, ठीक है। अब तुमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है टोटल वर्क डन बाय द गैस, और हम लोग जो वर्क निकालते हैं वो कौन सा होता है, हम लोग जो वर्क निकालते हैं वो होता है बाय द सराउंडिंग। हमारे सारे फॉर्मूले बाय द सराउंडिंग के हैं। हमारा साइन कन्वेंशन क्या था, वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। तो ये जो तुमने निकाला है माइनस पी नॉट वी नॉट, दिस इज वर्क डन बाय द सराउंडिंग, और तुमसे पूछ रहे हैं वर्क डन बाय द सिस्टम उसका नेगेटिव, तो पहला आंसर हुआ पी नॉट वी नॉट, ठीक है। इसमें बहुत ध्यान रखना, गलती मत कर देना, ठीक है सर। वो सराउंडिंग का कैसे हुआ, हम लोगों ने फॉर्मूले डिराइव किए थे ये माइनस इंटीग्रल पीडीवी या माइनस पी एक्सटर्नल, ये सब वर्क डन बाय सराउंडिंग ही निकालना है हम लोग, हमने सराउंडिंग का फोर्स लिया था ना। हाँ सर, तो अगर सिस्टम का पूछ ले कभी तो तुम क्या करोगे उसका अपने फॉर्मूले से जो निकला उसका नेगेटिव एक और साइन लगा के दे दोगे आंसर। तो ये तो पार्ट ए का नेगेटिव, इसलिए ना कि डायरेक्शन अपोजिट, यस यस। सेकंड पार्ट में आओ, हीट एक्सचेंज पूछ रहे हैं पार्ट सी ए और ए बी में। उसके लिए मैं पहले तीनों पॉइंट्स का जरा टेम्परेचर लिख लूं। ए पे टेम्परेचर कितना होगा पी नॉट वी नॉट बाय आर, बी पे टेम्परेचर है 3P0V0/R और सी पे टेम्परेचर है 2P0V0/R, सही है, अग्रीड। अब तुमसे सी ए पार्ट की हीट पूछी है, सी ए पार्ट कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक है प्रेशर कांस्टेंट,
तो हीट क्या होती है आइसोबारिक की, एन सीपी क्या है आइडियल मोनोएटॉमिक, तो सीपी 5/2 आर टीएफ माइनस टीआई, टीएफ कितना है ए का टेम्परेचर, पी नॉट वी नॉट बाय आर माइनस सी का टेम्परेचर 2P0V0/R, तो ये आ गया माइनस 2.5P0V0, ठीक है। और ए बी का पूछा है, ए बी कैसा प्रोसेस है आइसोकोरिक, तो एन सी वी टी एफ माइनस टी आई, तो ये आ गया 3P0V0, ठीक है। पार्ट सी में तुमसे क्या पूछा है, हीट ऑफ प्रोसेस बीसी, बीसी कैसा प्रोसेस है, बीसी कैसा प्रोसेस है जनरल है, जनरल, तो इसके लिए तो अब हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन इसको प्रोसीड करने के लिए एक ट्रिक लगाते हैं। ओवरऑल ये साइक्लिक प्रोसेस है, यस और नो, साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू टोटल जीरो होगा, करेक्ट, यस, मतलब टोटल वर्क प्लस टोटल हीट इसमें जीरो होगा, टोटल वर्क हमने निकाल लिया है माइनस पी नॉट वी नॉट, ओके। टोटल हीट क्या होगी, हीट ऑफ प्रोसेस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये सब टोटल जीरो है, तो क्या इक्वेशन आ गई, माइनस पी नॉट वी नॉट प्लस 3P0V0 प्लस क्यू बी सी माइनस 2.5P0V0 इज जीरो, तो क्यू बी सी कितना आ गया 0.5P0V0, ठीक है। हाँ समझ में आया ये, yes। कितना नोट हो गया, डन। अब लास्ट पार्ट में पूछा है मैक्सिमम टेम्परेचर। अब देखो अगर तुम ग्राफ को एनालाइज करो, ऐसा ग्राफ दिया है, ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर बढ़ रहा है, सही है, तो ए से बी में तो मैक्सिमम टेम्परेचर बी पे होगा, सिमिलरली सी से ए में प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कम हो रहा है तो मैक्सिमम टेम्परेचर सी पे होगा, करेक्ट, यस सर, बट बी से सी में प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, वी कैन नॉट से टेम्परेचर कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है कि पहले ज्यादा हो रहा है फिर कम हो रहा है, पहले कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है, वी जस्ट कांट से एनीथिंग बाय जस्ट सीइंग द ग्राफ, ओके। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, तुरंत कैलकुलस का यूज। इस प्रोसेस बीसी की इक्वेशन लिख सकता हूं क्या मैं, यस सर, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर लिखूं ग्राफ से तो क्या इक्वेशन होगी, p माइनस 3P0, स्लोप हो गया माइनस 2P0/V0, v माइनस V0, ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, करेक्ट, ठीक है, यस सर। तो
पी आ गया 5P0 - 2P0 / V0V। हमें टेम्परेचर का मैक्सिमा निकालना है, तो इस क्वेश्चन में टेम्परेचर को लाना पड़ेगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन से मैं P को लिख देता हूं nRT / V। तो T क्या हो गया 5P0 / R, V -2P0 / RV0V2। dT/dV क्या होगा 5P0 / R - 4P0 / RV0V, और मैक्सिमा पे होना चाहिए ये जीरो। तो वॉल्यूम आ गया 5/4V0। तो 5/4V0 जब होगा वॉल्यूम प्रोसेस बीसी में, तब टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। तो कितना होगा मैक्सिमम टेम्परेचर, कितना होगा मैक्सिमम टेम्परेचर इस इक्वेशन में रख दो 5P0 / R, और V की वैल्यू रख दो 5/4V0 -2P0 / RV0, 5V0 / 4 का स्क्वायर। तो 25/4P0 / V0 / R -25/8P0 / V0 / R। तो मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया 25/8P0 / V0 / R। ठीक है? Yes, sir. इस तरह की प्रॉब्लम्स में देखो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी काफी। वन मिनट, आई एम कमिंग बैक। यस सर। ये पीवी ग्राफ दिया है तुम्हें ऐसा साइकिल का, ठीक है? ओके, तुमसे कह सकते हैं कैसा प्रॉब्लम। अब ऑब्जेक्टिव, ये जेई का सब्जेक्टिव जब तक था जेई, उस टाइम का जेई प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा दे सकते हैं कि इसी का करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ बनाओ, और चार ऑप्शन दे देंगे। अब बताओ ए बी प्रोसेस कैसा दिखेगा। ए बी प्रोसेस आइसोकोरिक है, ए बी प्रोसेस इस ग्राफ में कैसा दिखेगा, ऐसा ही बनेगा, करेक्ट करेक्ट। यहां पे टेम्परेचर P0 / V0 / R, यहां पे 3P0 / V0 / R, ये V0। सीए प्रोसेस आइसोबारिक कैसा बनेगा, इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने डिस्कस किया था पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो सीए प्रोसेस ऐसा बनेगा जहां ये वॉल्यूम है 2V0 और यहाँ का टेम्परेचर है 2P0 / V0 / R। और बीसी प्रोसेस देखो टेम्परेचर वॉल्यूम की इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ रही है, तो बीसी प्रोसेस ऐसा बनेगा, ठीक है? और यही वो मैक्सिमा टेम्परेचर का आ रहा है कितने पे, 5P0 / 4 पे। ठीक है, चलो नोट कर लो। सर आप बीसी का वापस समझा सकते हो, बीसी की ये इक्वेशन आई है तुम्हें, ये वाली, ये देखो टी और वी की इक्वेशन। नहीं सर, सर आपने ग्राफ दूसरा बनाया उसमें, ग्राफ ही समझा रहा हूँ, ये इक्वेशन समझ में आई। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हैं तुम लोगों ने मैथ्स में? यस सर। ये हाँ सर, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए। हाँ, तो इसलिए ऐसा बनेगा ना डाउनवर्ड पैराबोला।
यस सर गॉट इट सर वो p माइनस 3p नॉट इक्वलिंग टू वो सर स्टार्टिंग का सर वो इक्वेशन कैसे आया ये एक इक्वेशन होती ना स्ट्रेट लाइन की y y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1 यस सर तो इस पॉइंट के y1 x1 कोऑर्डिनेट्स ले लिए 3p नॉट और v नॉट ठीक है यस सर और लाइन का स्लोप तो निकाल ही लोगे ठीक है यस सर समझ गए हाँ सर चलो नोट हो गया ये I have sent the slides on group. अगर किसी का कुछ नोट करने का बचा है तो उससे कर सकते हो ठीक है सर अभी आप कुछ सिखाने वाले हो या फिर लीव करना है नहीं नहीं now we are stopping. ये जो तीन problems हैं ये homework में करना है और सब लोग bond ठीक है yes, चलो bye everybody. Bye sir. Thank you so much. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali, sir. Happy Diwali, sir.